हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छे इंडियन ब्रांड आयुर्वेदिक ब्रांड के बारे में, विच इज़ कामा आयुर्वेदा। नाउ इस वीडियो में मैं कामा आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स का रिव्यू नहीं करने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपसे कामा आयुर्वेदा ब्रांड के बारे में। मैंने इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं जो बहुत अच्छे हैं। सारे स्किन टाइप्स के हिसाब से इन्होंने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं और ये प्रोडक्ट्स लिटरली बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रोडक्ट को जब मैं यूज़ कर रही थी तो मेरे दिमाग में सडनली ये ख्याल आया कि यूजुअली जब आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, स्किन केयर की प्रोडक्ट्स मोस्टली देखा जाए तो वो जो अपना इफेक्ट दिखाने में जो टाइम लेती है वो 2 से 3 महीने का टाइम लेती है। लेकिन कामा आयुर्वेदा के साथ में ऐसा नहीं है, ये 15 से 20 दिन जब आप इसको यूज़ करोगे आपको थोड़े बहुत विजिबल डिफरेंस नज़र आने लगेंगे इसके प्रोडक्ट को यूज़ करने में। तो जब आप इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं ना, 15 से 20 दिन के अंदर इसमें कुछ विजिबल रिज़ल्ट आपको दिखाई देने लगते हैं अपने स्किन के ऊपर में। तो क्या ये सच में आयुर्वेदिक है? तो मुझे इसके बारे में जानना था कि कामा आयुर्वेदा ब्रांड कैसे बना, क्यों इन्होंने किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स अपने प्रोडक्ट में यूज़ किए हैं सो दैट कि हमारी स्किन को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे स्किन में ज़्यादा केमिकल हम यूज़ ना करें। चाहते हैं ना चाहते हुए भी हम अपने स्किन पर कहीं ना कहीं केमिकल यूज़ करना पड़ता है, बट किसी भी रूप में करना पड़ता है, चाहे वो सनस्क्रीन, चाहे मॉइस्चराइज़र, चाहे सरम, कुछ भी हम यूज़ करें थोड़ा बहुत केमिकल उसमें होता है। बट गुड और बैड केमिकल्स अलग होते हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाली हूँ। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कामा आयुर्वेदा ब्रांड के बारे में। आप में से काफ़ी लोग इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते होंगे और काफ़ी लोग इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करते होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइसी साइड में आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना प्राइसी आता है उसके लिए इसके एक एक ग्राम वर्थ इट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इसे कोई भी यूज़ करता है कर सकता है। इन्होंने अपने सभी स्किन केयर के लिए, सभी स्किन टाइप के लोगों के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट तैयार करके रखे हैं। इवन तो मेंस के लिए भी इसमें अवेलेबल हैं प्रोडक्ट। तो कामा आयुर्वेदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मैंने काफ़ी कुछ इनके बारे में पढ़ा, यूट्यूब पर देखा, नेट पर रिसर्च किया और उसके बाद जो भी मुझे पता चला, जो भी मुझे जानकारी मिली वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कामा आयुर्वेदा जो एक ब्रांड है वो पहला तो इंडियन ब्रांड है, दूसरा ये आयुर्वेदिक ब्रांड है और तीसरा ये अपने प्रोडक्ट में प्योरिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी मेंटेन कर। ओके, नाउ बात कर लेते हैं कि कामा आयुर्वेदा इस्टेब्लिश कैसे हुआ। तो इसके 4 को फाउंडर हैं जिन्होंने जो इसकी जो चिकित्सा पद्धति है, जो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है, उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने इसके शक्ति को, इसके पावर को, आयुर्वेद के पावर को सभी जगह फैलाने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। और उसके बाद इन्होंने 9 आयुर्वेद उपचारों की श्रृंखला, मतलब कि 9 तरीके से उपचार, आयुर्वेद के तरीकों से उपचार होने वाले सीरीज़ को लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। क्योंकि ये नया ब्रांड बनने वाला था तो ये अकेले इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 100 साल पुराने एक आर्यवैद फार्मेसी के साथ मिलकर साझेदारी में, यानी पार्टनरशिप में इन्होंने इस ब्रांड को शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने उसको एक्सपेंड किया। अब बात कर लेते हैं कि इनका टारगेट क्या था। ये तो हो गए इनके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात, लेकिन अब इन्होंने टारगेट क्या लिया। इन्होंने टारगेट लिया स्किन और आपके हेयर। तो हमारी जो स्किन होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चल रहे होते हैं हमारी स्किन पे, उसका इफेक्ट नज़र आता है, हमारे बालों पे इफेक्ट नज़र आता है, स्किन पे एक्ने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, दाने आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। और बाल तो एक ही सीवियर प्रॉब्लम है कि डैंड्रफ हो जाते हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो इन्होंने ये 2 चीज़ों को टारगेट किया और उन्हीं से रिलेटेड सारे सोल्यूशन इन्होंने अपने इस ब्रांड में दिए हैं इनके प्रोडक्ट्स के साथ में। ओके, इनका प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किया है तो उसमें एक वर्ड लिखा होता है जो फ्रेंच वर्ड है। मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी होती है, मैं वो पढ़ के बताती हूँ। तो ये वर्ड है लेस जॉर्डन्स डी इंडे। ओके, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है द गार्डन्स ऑफ इंडिया। ओके, ना दिस गार्डन्स ऑफ इंडिया का मतलब क्यों इसमें ऐसा लिखा गया है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में। तो इसके प्रोडक्ट काफ़ी प्योर होते हैं,
हाई क्वालिटी के साथ, ब्यूटीफुली पैकेजिंग के साथ में आते हैं, और ये केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सेलिंग होती है इनके प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनली इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं। ये इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतने इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं कि ये इंडियन ही नहीं बल्कि आज इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें EU सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं इनके सारे भी, और EU सर्टिफाइड का मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन ने इन्हें सर्टिफाइड किया है, जो कि आपके प्रोडक्ट को सेफ्टी और सेफ़ बनाता है आपकी स्किन के लिए और प्योर बनाता है। तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि आप अपनी स्किन पे सेफ और हाइजीन और प्योर प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो कामा आयुर्वेदा अपने प्रोडक्ट्स को बहुत प्योर रखता है, इसकी क्वालिटी को काफ़ी मेंटेन करता है, इसलिए इसके सारे प्रोडक्ट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही यूज़ किया जाता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके ये बना अपना प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। अब ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इन्होंने इतने प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के पास आएंगे कहाँ से, इतने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कैसे? ये वनों की कटाई तो नहीं कर सकते, जंगलों की कटाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं इसको हम आगे देखते हैं वीडियो में। लेकिन इनके प्रोडक्ट्स प्योर होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, जेन्युइन होते हैं और इफेक्टिव भी होते हैं। इनके प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स फ्री होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस से फ्री होते हैं, और ये पूरी तरीके से वीगन प्रोडक्ट हैं। किसी भी तरीके से एनिमल्स पे इनको टेस्ट नहीं किया गया है और ना ही एनिमल प्रोडक्ट पर इनमें यूज़ किया गया है किसी भी तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके स्किन के लिए, आपके स्किन को ग्लो करने के लिए, आपके स्किन को अच्छा खाना देने के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। मैंने इनके प्रोडक्ट खुद ट्राई किए हैं, मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ कि सारे स्किन केयर, सारे स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर तो हम बात कर रहे थे कि इसमें सारे प्रोडक्ट्स जो, सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो नेचुरल्स होते हैं, ठीक है। और हमने दूसरी बात की कि जो फ्रेंच वर्ड है, अगेन मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो वर्ड बोलने में कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो वर्ड था लेस जॉर्डन्स डे इंडे, ये इसमें क्यों लिखा गया है, तो वो हम इसमें तो हम वो देखने वाले हैं। तो क्या होता है कि जो 100 साल पुराने जिस फार्मेसी के साथ ये लोग काम कर रहे थे, तो वो भी ब्रांड जो है वो आयुर्वेद पर ही आधारित था, आयुर्वेदिक चीज़ों पर ही, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से तैयार करता था। तो ये लोग वहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं, स्मॉल स्केल के जो किसान हैं और आर्टिशंस हैं यानी कारीगर हैं, उन लोगों के साथ में ये काम करते थे, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों के साथ काम करने का फ़ायदा इनको ये हुआ कि प्योर चीज़ें मिल रही थी, प्योर इंग्रेडिएंट्स मिल रहे थे, और दूसरी बात वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने काफ़ी हद तक इंडिया को डेवलप करने का एक तरीका ढूंढ लिया, क्योंकि आजकल छोटे किसानों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप सब जानते हैं इस बारे में, मैं क्या ही बोलूं। तो इसलिए क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट में जो यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स थे, ये इनके खुद के गार्डन से आते थे, खुद के छोटे खेतों से आते थे, इसलिए इन्होंने इसमें इसका नाम ही दिया है द गार्डन्स ऑफ इंडिया, लेस जॉर्डन्स डे इंडे। इसके इंग्रेडिएंट्स इसको प्योर बनाते हैं, हाई क्वालिटी के बनाते हैं और इफेक्टिव बनाते हैं। मैंने इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, और मैं इसके वीडियो, उसके बारे में मैं रिव्यू देना चाहती हूँ, तो उसके बारे में मैं रिव्यू अगले वीडियो में दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये चैनल बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, प्रमोशन वीडियो नहीं है। ओके गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।